और ये देखिए सारे ब्रेड रोल बनकर हमारे तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे ब्रेड रोल। तो इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, चटपटे ब्रेड रोल कैसे बनते हैं। तो बारिश का मौसम है, चटपटा खाने का मन होता ही है, आप सबका भी होता होगा। तो इसलिए मैं घर पर ही ये रेसिपी बना रही हूँ। बच्चों का बहुत मन कर रहा था कुछ चटपटा बनाओ, तो मैंने आज सोचा ब्रेड रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर भी हो जाएगी और बच्चे ब्रेड रोल खा भी लेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने आलू लिए थे, इसका मैंने भरता बना लिया था। इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाल दी है, मैं वो नहीं दिखा पाई आपको। मैंने इसमें हरी मिर्च की चटनी डाली है, हरी मिर्च लहसुन अदरक की चटनी इसमें डाल चुकी हूँ मैं। तो ये मैंने डालकर इसे एक घंटा फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है काफ़ी। तो इसमें और मसाले मैं डालूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिया है एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और एक चम्मच लिया है भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच नमक है, नमक पहले ही मैं आधा चम्मच डाल चुकी हूँ उसमें, और आधा ये नींबू लिया है। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं, मैंने नींबू लिया है, नींबू डाल रही हूँ इसमें। और ये तीन हरी मिर्च इन्हें बारीक काट लिया है मैंने, और ये धनिया लिया है थोड़ा सा, इसे बारीक काट लिया है। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 ब्रेड लिए हैं, तो इसके 6 ब्रेड रोल बनकर तैयार होंगे। तो देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेड रोल। तो अब इन सभी मसालों को हम इन आलू के भरते में मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया, इसमें ये नींबू भी निचोड़ देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। आलू हमारे काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, तो आलू और मसालों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। आलू को मैंने मैशर से मैश किया था, आप भी मैशर से ही मैश करें, चाहे तो कद्दूकस से भी कर सकती हैं, इसको ग्रेट कर सकती हैं कद्दूकस से भी। तो मैंने इसे मैशर से मैश किया और फिर इसे खूब बन लिया इस तरीके से। तो ब्रेड की ये किनारे जो हैं इनको हम पहले काट लेते हैं, कि किनारों को हम कैंची से काट लेते हैं। ऐसी सारे ब्रेडों के किनारे हम काट लेंगे। तो हमने सभी ब्रेडों की किनारों को काट लिया है इस तरीके से कैंची से, आप चाहें तो छुरी से भी काट सकती हैं। और इन किनारों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। ये पकौड़ियों के काम भी आता है इसका ब्रेड क्रम, और आलू की टिक्की बनाए उसमें भी काम आ जाता है ये। अब देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने ये प्लेट में पानी ले लिया है, गहरी प्लेट ली है। तो इन ब्रेडों को हमें इस पानी में हल्के से डिप करना है, दोनों साइडों से, ज़्यादा नहीं डिप करना, नहीं तो ब्रेड टूट जाएंगे। इन ब्रेडों का पानी हमें इस तरीके से निचोड़ना है, सारा पानी निकल जाए, इसको इस तरीके से निचोड़ लेते हैं। अब इस पर हम रखेंगे आलू, आलू का इस तरह से हमें लेके इस तरह से ऐसे रोल बनाना है, और इसको हम रखेंगे ब्रेड के ऊपर, और ब्रेड को इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ब्रेड गीला है तो इसलिए ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना सकती हैं, मैं इसे ओवल शेप में बना रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे 6 ब्रेड रोल बनकर तैयार हैं। ये देखिए आप ही इसी तरीके से बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं ये ब्रेड रोल। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, हमें इसे मीडियम पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई पे नहीं करना है। तो हम डालते हैं ये, और इसको अभी हम चलाएंगे नहीं, पलटेंगे नहीं, जब ये अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब इन्हें पलटेंगे हम। तो ये देखिए एक तरफ से इनमें गोल्डन कलर आ चुका है, मैंने इन्हें पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसे सेक लेते हैं। तो ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं ये देखिए। अब इसको हम एक मिनट और कर लेते हैं फ्राई, फिर इन्हें बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड रोल फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए सारे ब्रेड रोल बनकर हमारे तैयार हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। आप इसका मज़ा चाय के साथ भी ले सकते हैं, टमाटो केचप के साथ भी, हरी चटनी के साथ भी। तो मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे ब्रेड रोल बनकर कैसे तैयार हुए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।